As the Bhavya Ram Mandir is on the verge of completion, families of the car sevaks that were killed in 1990 are now demanding justice for themselves as the grand structure gets ready for consecration. In 1990, remember, when Mulayam Singh Yadav was the Chief Minister of Uttar Pradesh, in the aftermath of Rath Yatra, car sevaks had gathered near the Ram Janmabhoomi, and when they started marching towards the site, security forces had opened fire at them. The official figures for that incident suggest that 28 people had lost their lives and several were left injured. आवाज बन रहा है तो बहुत खुशी है हमें जिंदगी मतलब आदमी का वो हो गया उस दिन जब रमेश पांडे जी अपने घर से निकले थे तो क्या कहकर निकले थे कहना आपको जान लीजिए हम जा रहे हैं भगवान के कुटुंब में अभी आ जाएंगे मतलब 30 तारीख को गए थे जब जन्म हुआ तब फिर लौट ही आए अब 2 नवंबर को जब गए थे तब गोली लग गई थी तो हमारे भाई शहीद हुए थे गोली लग के और उसमें बहुत जो है कार सेवा थी और बहुत तादाद था उसके बाद में हमारे भाई ने वहाँ पे झंडा फहराते समय उनको गोली लगी आंसू गैस फेंका गया उस समय जब गोली लगी उनको तो उनकी बॉडी भी हम लोग को नहीं दी गई कि घर पे उनकी बॉडी दी गई हो इस समय राम मंदिर बन रहा है लेकिन ये है कि हमें खुशी भी है और साथ साथ गम भी है कि हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ आपके साथ में या शहीद परिवार से आप लोग हैं तो आप लोग के ऊपर भी ध्यान दिया जाए हम लोग को कोई ध्यान नहीं देता है हम लोग ये सोचते हैं कि ट्रस्ट में हो सकता है कि हम लोग को भी दुकान डलिया मिल जाए हम लोग नौकरी चाकरी वाले हैं नहीं हम लोग बांस की टोकरी बना करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं ये आश्वासन दिया गया था कि हम लोग को नौकरी दी जाएगी लेकिन आज तक कोई नौकरी नहीं दिया हम लोग को शिलान्यास जिस दिन हुआ था हम लोग को कार्ड मिला था हम लोग गए वहाँ पानी तक के हम लोग को नहीं मिला पता चला कि लाखों करोड़ों में लड्डू बना है सब कुछ बना है लेकिन हम लोग को पानी तक नहीं मिला जिसके लिए वो गए थे जिसके लिए वो शहीद हुए हैं आज उनका जो है सपना पूरा हो रहा है और आज हम लोग को भी खुशी है कि आज हम लोग के जीते जी वो मंदिर बन रहा है हम लोग का भी सपना पूरा हो रहा है हमें तो गर्व है कि उनके शहीद पे तो आज मंदिर बन रहा है अगर मंदिर ना बनता तो हमें ये रहता कि वो शहीद हुए उसके बाद ही मंदिर नहीं बना तो रहता मंदिर बनने पे खुशी है लेकिन पिताजी के जाने की अलग गम रहता है हमारे पिताजी की दुकान थी यहाँ पर मीठे की दुकान थी मिठाई उठाई थी चाय वाय की दुकान थी अच्छा उस समय 5 साल के थे और हमारे पिताजी उस समय विश्व हिंदू परिषद और कई संगठनों ने आह्वान पर 30 अक्टूबर को वहाँ का सेवा होने का वाला था जगह जगह बाहर से लोग आ रहे थे और उस समय मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया था और तब भी कर्फ्यू को बचाते बचाते सब हजारों कार सेवक यहाँ पर आ गए थे पिताजी भी हमारे यहाँ पर सभी कार सेवकों को तैयार किए थे वहाँ पर बहुत सारे कार सेवक पहुँच गए थे और वहाँ पर झंडा उंडा फहराए इतने में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी वो आए हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर पर पहले हरा बत्ती जल रहा था बाद में लाल बत्ती जलने लगा और फायरिंग शुरू हो गई अच्छा। उस फायरिंग में बहुत से कार सेवक मारे गए हमारे पिताजी को भी गोली लगी थी जितने भी कार सेवक बलिदान हुए हैं उनका बलिदान सार्थक हो गया और जिस काम के लिए पिताजी हमारे गए थे वो काम सार्थक हो गया इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होती जी ये काम तो बहुत अच्छा काम हुआ है और जितने भी कार सेवक इसमें शहीद हुए हैं जितने भी लोग इस आंदोलन में थे सबका काम सार्थक हुआ इससे बड़ा काम Now what is astonishing is that Mulayam Singh Yadav even later justified ordering opening of fire on the car sevaks. This was 2017, around 27 years after that October 30th incident. He said, and I quote, if more people were required to be killed for the sake of country's unity and integrity, the security forces would have done it. That was what the remark that was made by Samajwadi Party founder on his 79th birthday. Now the air crackles with anticipation in Ayodhya
as the countdown to the grand inauguration of Ram Mandir nears its end. With mere days left until the Pran Pratishtha ceremony in January 22, preparations are on in full swing. Devotees and workers are driven by a fervor that seems to electrify every aspect of the holy city. हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से? और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। जाएंगे हैं, मैं परिवार के जाएंगे। नौताना जरूरी है कि मंदिर तो सबका ही होता है सर। तो जाएंगे, मंदिर तो जाएंगे, अगर वहाँ उस दिन नहीं देंगे आगे चले जाएंगे, और आगे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, मंदिर तो जाएंगे, मैं परिवार के जाएंगे। From a father who said that not only did he order opening of fire on the Ram Bhaks to his son today, saying ki agar bulayenge to bhi jayenge, nahi bulayenge to bhi jayenge. But now let's tell you about the preparation. It's just not about the construction of a magnificent temple. It is about the symbolic rise of a new era, the era referred to as Ram Rajya. Let's tell you about the preparations. If you look at these pillars, these are pink sandstone pillars. This is from Bharatpur, Rajasthan. If you look at these workers also, they're trying to give the finishing to these pillars. These pillars are meant for third story of Ram Temple. These are going straight to the top of the Ram Temple, the third story, use of which is yet to be decided by the trust, Shri Ram Janmabhoomi Trust. But look at the beauty of these pillars. Fine engraved carvings on these pillars. Each and every detail is being looked into. During transportation, there are some damages, but this is going to be fixed and filled with some sort of masala by them. Then there is also, they are trying to give it a white finish also. Look at the kind of the minute detailed work they are doing. They are ensuring that each and every carving is visible to those who will visit this Ram temple. Let me just speak to few of them. Bhaiya, ये आप क्या काम कर रहे हैं? ये घिसा ही हो रहा है। अच्छा, ये जो टूट गया है कॉर्नर पे, इसको आप भर रहे हो या ये सिर्फ व्हाइट कलर कर रहे हो? नहीं, व्हाइट कलर। अच्छा, ये व्हाइट कलर इस पे क्योंकि पिंक सैंडस्टोन आता है, ये व्हाइट कलर में होके रही है। अच्छा, जैसे ये पहले आया था तो ये गुलाबी था, है ना? तो गुलाबी को अगर सफेद रंग देना है, लाल पत्थर था, अगर उसको सफेद रंग देना है तो आप उसको घिस के सफेद कर रहे हो? नहीं, सफेद लाल भाई जब घिस जाए पूरा सफाई कालापन तो धोए पर एकदम लाल माँ आ जाए। अच्छा, ये सफेद है पर ये लाल आ जाएगा? हाँ, लाल पर ये सफेद हुआ तो कटे से तो ये कटा था, ये बहुत कम कटा था तो यही नाते वो जब उज्जर होएगा ये लाल हो जाए, जब धो जाए तो लाल पत्थर में हो जाए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम ये बस्ती जिला बिक्रमजोत ब्लॉक से हैं। अच्छा, तो ये पत्थर लगेंगे कहाँ, ये जो आप पत्थर लगाएंगे? ये राम मंदिर में है, तीसरे मंजिल का। तीसरे मंजिल का? और ये कब तक तैयार करके देना है आपको? अभी तो जो उद्घाटन के बाद हो जाए। अच्छा, ये कितने ऐसे ब्लॉक्स आए हैं, ये जो है ये पिलर्स है ना? ये पिलर्स? हाँ, पिलर है। तो कितने ऐसे आए हैं? कितने हैं ये? ये अब गिनती तो हमें ना मालूम है, लेकिन ये भाई की 300 से ज्यादा हुआ। 300 से ज्यादा पिलर्स हैं जो ऊपर लगेंगे ये। तो आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम यही के रहने वाले, अयोध्या के रहने वाले। अयोध्या के रहने वाले? तो आप भी यही काम कर रहे हैं? हाँ, हम भी यही कर रहे हैं। ये कितना टाइम लगता है एक पिलर को घिसने में? पिलर में इसमें टाइम लग गया, ये दूसरा महीना चल रहा है इस पिलर को, अभी भी साफ नहीं हुआ पिलर। ये एक पिलर पे 2 महीने लग गए? 2 महीना हो नचा गया, आज 28 तारीख हो, ये अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ। और ये घिसने के बाद जब इसमें सफेद रंग आ जाएगा, उसके बाद जब आप धोगे तो ये पिंक कलर आ जाएगा? फिर वैसे ही आ जाएगा लाल कलर, इसका पाउडर छूट जाता है। अच्छा, ये हेमरी का। अच्छा, तो ये घिसने के क्या, किसे घिसते क्यों हैं? इसको जो काई लगी है बरसात से, काले हो गए हैं, उसी को साफ कर रहे हैं। So if you look at them, this is the cleaning process that is ongoing, and they're not doing it through machines. It's a handwork that they're doing. Each and every detail is being looked into. Look at the
quality and the also the you know the weight of these pillars. These are full-fledged pillars, rocks from Bharatpur. They are being carved here. If you know, look at the also the detail is there, but the kind of the amount of manual work that has gone. They have taken 2 months to clean this stone, just to do a bit of scraping so that there will be no blackness on the stone, and when they wash it, it's gonna turn out pink, like its original color. So everything is being done very detailed, and it takes a lot of time, and that is why the trust also said that they're gonna take 2025 till the third story is complete, and by 2024 almost most of the structure of the temple is going to be complete. Now, at the main entrance gate of the Bhavya Ram Mandir will be a 40 feet tall flag. This flag is being made by a team of artisans in Hazaribagh in Jharkhand. This flag is going to be made out of pure silk. It's going to be embroidered with gold and silver threads. This flag will be featuring the image of Lord Ram and Goddess Sita. The flag is expected to be completed in the next few weeks and will be hoisted proudly at the main gate of Ram Mandir on the 22nd of January. यहाँ पर से भगवान श्री राम के जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी से होनी है, उसके लिए जो मुख्य ध्वज है वो बन के जा रहा है. वो करीब 150 मीटर कपड़े का झंडा बना है, जिसकी हाइट 40 फीट है और उसकी चौड़ाई करीब 42-42.5 फुट होगी. बहुत खुशी की बात है. एक तो क्या है कि हजारीबाग का रामनवमी, इंटरनेशनल रामनवमी जिस नाम से प्रसिद्ध है, आज उसी के कारण आज देखिए कि हजारीबाग को लोग पता करके हजारीबाग आए. और दूसरी सौभाग्य बात को मेरे दुकान में और मुझे ऑर्डर मिला, आदेश हुआ, भगवान का यह आदेश हुआ कि मैं उस मंदिर के निर्माण में एक झंडा बना कर उसका भी सहयोगी बनूं. और पूरे हजारीबाग के लिए गर्व की बात है कि हजारीबाग का ध्वज जो ध्वजारोहण होता है, हम हिंदू समाज में कहते हैं, उसका ध्वज हजारीबाग से बन के जाएगा और उसमें लगेगा. It has been time and again asserted that this is going to be a realization of Sabke Ram, and an evidence of that was seen when a young Muslim woman, Shabnam Sheikh, who belongs to Mumbai, embarked on a pilgrimage to Ayodhya, yearning for a glimpse of Lord Ram. An ardent Ram devotee, she has taken up this walk of faith carrying Sri Ram banner. A luminous wave of devotion is set to ripple from over the village in Thane as well, painting the newly built Ram temple in Ayodhya with its radiant glow. On the 22nd of next month, the inauguration day of the temple, a staggering 51,000 clay diyas crafted and contributed by the villagers will start a sacred journey to illuminate the Ram Mandir. With less than a month to go for the inauguration, a Kalash Yatra is also being taken out from Janakpur, which is the place of in-laws of Lord Ram. This Kalash Yatra is all about carrying water from all the sacred rivers of Nepal and has set its sights on Ayodhya. Today, this Yatra entered India through the Raxaul border of Nepal, and now it will reach Ayodhya via Motihari and Gopalganj. The journey is being attended by a large number of people who are immersed in the devotion of Lord Ram. Of Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony will be the installation of the idol of Lord Ram as well as the idols of Sita, Lakshman and Bharat in the Sanctum Sanctorum of the temple. This will be a highly sacred and auspicious event, and only 5 people will be allowed inside the Garbhgriha at the time that these idols are being installed. Prime Minister Narendra Modi, UP Chief Minister Yogi Adityanath, UP Governor Anandibeen Patel, RSS Chief Mohan Bhagwat and Chief Priest Satendra Das are the ones who are on the list. The preparations on the ground are on in full swing to welcome the high-profile guests, including the Prime Minister himself. इस तारीख से दर्शन होंगे, लेकिन लोग राम की भक्ति में सराबोर होने शुरू हो गए हैं. असल में तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं जब प्रभु श्री राम के बगैर
उनके ख्याल के उनके ध्यान के बगैर लोग रहते हों, लेकिन राममय होना और ज़्यादा भक्ति में गोते लगाते जाना ये शुरू हो गया है। और 22 तारीख का इंतज़ार अब 23 तारीख से जो कहा जा रहा है उस दिन से मंडल पूजा भी शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा असल में 16 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, जिसका कल्मिनेशन देखा जाएगा उस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे 12:20 पर। और 23 तारीख से मंडल पूजन शुरू होगा जो कि 48 दिनों तक चलेगा। जैसा आपने दर्शकों को बताया कि यहां हम लता मंगेशकर चौक में खड़े हुए हैं, ये भी एक आइकॉनिक जगह बन गई है। जब से लता मंगेशकर स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर ये चौक बनाया गया है, और ये रूट ये भी उस रूट में शामिल है, ये चौराहा भी ये राउंड अबाउट भी उस रूट में शामिल है जहां से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, प्रधान सेवक गुजरेंगे, अयोध्या के लिहाज से जिस नाम का महत्व हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया है, और अब तो अयोध्या और प्रभु श्री राम और साथ में लोक कल्पना नरेंद्र मोदी और योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की करते हैं, तो यहाँ पर तैयारियां उसी तरह की चल रही हैं। देखिए जरा कैसे हफ्तों का काम सेकेंड्स में हो रहा है, मिनटों में हो रहा है। ये देखिए ये जो सैपलिंग्स रखे गए हैं, ये जो पौधे रखे गए हैं, ये इस बात के लिए तैयार हैं कि कुछ ही देर में यहाँ इनका प्लांटेशन होगा। देखिए किस तरीके से तत्परता के साथ लोग जुटे हुए हैं। ये जहाँ पर आज आप खाली जमीन देख रहे हैं वहाँ देखिए घास रोपी जा रही है, और घास रोप कर इस पूरी जगह को हरा भरा कर दिया जाएगा। हालांकि बढ़ी हुई ठंड के साथ कोहरे के साथ ये काम करना कभी कभी लोगों के लिए दुष्कर भी है, लेकिन जिस हेतु जिस प्रयोजन के लिए ये काम किया जा रहा है उसके साथ उनको कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है।